मारुति ने रिसेंटली लॉन्च करी अपनी सबसे प्रीमियम गाड़ी, वो है ऑब्वियसली इनविक्टो। एक काफ़ी एंटिसिपेटेड गाड़ी थी, फाइनली उन्होंने लॉन्च की उनकी सबसे प्रीमियम एमपीवी, और उसके बारे में आज हम बात करेंगे विथ नन अदर देन रमन सान। थैंक यू सर फॉर स्पीकिंग टू अस एज ऑलवेज। पहला क्वेश्चन है कि एमपीवी सेगमेंट में आपने इतना एक प्रीमियम सेगमेंट आ रहे, तो एमपीवी ही क्यों आपने चूज़ किया इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट योर प्रीमियम का? देखिए, आज की तारीख में जो जो हमारा जो कस्टमर है जो प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट की तरफ जा रहा है और जो प्रोडक्ट चाह रहा है, ऑब्वियसली एक तो एसयूवी एक थीम है जो चाह रहा है, और दूसरा है कि उसको कंफर्ट और कन्वीनियंस चाहिए। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है गाड़ी का, इसमें कि गाड़ी शुड लुक लाइक अ एसयूवी बट इट शुड यू नो हैव अ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस लाइक अ एमपीवी। तो ये जो प्रोडक्ट जो हमारे सामने खड़ी है आज, वो उसको दोनों को रिप्रेजेंट करती है कि लगने में तो ये एसयूवी लगती है, हाई स्टांस है इसका, वाइड वो है स्टांस है, और ऊपर से इसका जो फेशिया जो है बड़ा हाई बोनेट लेंथ, तो हाई बोनेट लेंथ है, तो उससे एसयूवी फीलिंग आता है। बट अगर आप गाड़ी को देखें, एक साइड व्यू से देखें, डायनेमिक गाड़ी है, स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन है, बट अंदर जो है कम्फर्ट जो है थ्री रो का एमपीवी का आपको कंफर्ट पूरा कंफर्ट है वो पूरा देता है। अच्छा, तो ये कॉम्बिनेशन है। और कल एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक मैंने देखा था कि आपका एसयूवी का सेगमेंट डबल हो गया है इन टर्म्स ऑफ शेयर। तो गोइंग फॉरवर्ड, क्या मारुति सुजुकी हमेशा जानी जाती थी अपने स्मॉल कार्स के लिए, क्या मारुति सुजुकी अपना फोकस शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स एसयूवी, या स्मॉल कार्स हमेशा के लिए रहेगा इट्स मेन? देखिए, हमारा पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, 5 लाख की गाड़ी से लेके अब ये मतलब 28 लाख तक हमारी गाड़ी का रेंज हो गया है, और हमारे दो चलन है, एक अरीना है एक नेक्सा है। हमारे पूरा एंट्री लेवल से लेके प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट तक हमारे पूरी हमने रेंज कवर करी हुई है। तो जो मारुति सुजुकी का कस्टमर है वो डिफरेंट इनकम लेवल्स और डिफरेंट एस्पिरेशन लेवल, डिफरेंट यूज़ केस के को मद्देनजर रखते हुए, ऑल्सो उसका जो पर्सनल चॉइस है, उसको हैच गाड़ी चाहिए, किसी को सेडान चाहिए, किसी को एमपीवी चाहिए, किसी को एसयूवी चाहिए, हम सारे प्रोडक्ट लाइंस को कवर कर रहे हैं, हर एक सेगमेंट के लिए हर एक प्राइस पॉइंट पे भी हम गाड़ियां हमने तैयार करी हैं और हम बेच रहे हैं। तो एक ये वैल्यू प्रपोजिशन दे रहे हैं कस्टमर को, फुल रेंज प्रोवाइडर की तरह कस्टमर के लिए। तो जहाँ जहाँ वॉल्यूम आता रहेगा और जहाँ जहाँ हमें नए सेगमेंट दिखेंगे हम वहाँ पे जाएंगे। जैसे हमारे अभी जैसे हमने जब अर्टिगा लॉन्च करी थी, हमारे थ्री रो में चले गए थे, तो उस टाइम थ्री रो का मार्केट नहीं था, बट थ्री रो का मार्केट आप देखिए कितना बढ़ गया है, अब एसयूवी में भी आ गया है और एमपी में भी आ गया है। उसी तरीके से जैसे 4 मीटर का एसयूवी था, वो एक जब हमने गए तो उसको बिल्कुल बढ़ गया, वो एंटायर वॉल्यूम हैज ग्रोन। प्रीमियम कॉम्पैक्ट देखें तो स्विफ्ट लेके आया, उसके बाद बेलिनो लेके आया, वो पूरा वॉल्यूम बढ़ा। तो ये कि सेगमेंट को बढ़ाने का स्ट्रेटजी, और दूसरा है कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए एसयूवी शेप, हैच शेप, प्रीमियम हैच और एमपीवी, तो सारे यू नो सेगमेंट्स को मीट करना है। साथ में उसमें टेक्नोलॉजी भी देनी है, डिज़ाइन भी अच्छा देना है, कम्फर्ट कन्वीनियंस फीचर भी देने हैं। तो ये कनेक्टेड आज की कस्टमर जो है कनेक्टेड फीचर चाहता है, इंफोटेनमेंट अच्छा चाहता है, सब कुछ देना चाहता है, मतलब सब कुछ चाहता है वो, तो हमें सब कुछ प्रोवाइड करना है। दैट इज द चेंजिंग ट्रेंड। तो एक और क्वेश्चन कि इस गाड़ी का ऑब्वियसली अगर आप टोयोटा के जो देखें उनकी इनोवा काफ़ी हाई वेटिंग पीरियड है, तो कैन इनविक्टो अगर कोई बुक करेगा विल देर बी अ डिले इन वेट योर डिलीवरीज, और विल इट बी अ ईजियर और अर्लियर प्रोसेस इफ आई मे पुट इट? मुश्किल है क्या? बिकॉज़ जैसे कल ही हमने लॉन्च करी है और प्राइस हमने रिवील करा है, उसके पहले जब हमने बुकिंग ओपन करी ऑलरेडी हमारे पास 6,000 से ज्यादा हमारे पास अच्छा इस गाड़ी आ चुकी है। ओके ओके, जैसे आपको पता है कि दूसरी गाड़ी में भी देयर इज अ वेटिंग। यस यस, ऑब्वियसली मारुति सुजुकी और टीकेएम बात करेंगे, जैसे हमारे क्रॉस बैजिंग और अदर प्रोडक्ट्स का जो हमारा ऑलरेडी वी हैव यू नो गुड रिलेशनशिप विद देम, तो उसके तहत हम कंटिन्यूसली डिस्कस करके एलोकेशन वगैरह सब डिस्कस होगा। अभी तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चेंजेस होते रहेंगे उसमें, तो जैसे जैसे यू नो चेंजेस होंगे हम बताएंगे। एक और क्वेश्चन की कि ये दिस इज़ अ वेरी प्रीमियम सेगमेंट और टॉप एंड 28 लाख प्लस की है, तो कैसे नेक्सा इसे अप्रोच करेगी इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल्स और द होल एक्सपीरियंस, क्योंकि इनका जो कस्टमर बेस, इनका एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग होगा व्हेन कंपेयर टू अदर कार्स।
नहीं, जब हमने नेक्सा शुरू करा एस क्रॉस के साथ में, उसके बाद में हमने बहुत सारी और प्रोडक्ट दे दी, एट्थ प्रोडक्ट है नेक्सा के अंदर, तो ग्रैंड विटारा भी उधर है, सियाज भी उधर है, उधर का जो कस्टमर है वो भी वो कर रहा है, ही इज ऑल्सो ग्रोइंग, एंड वी आर दी ओनली कंपनी व्हिच हैज गॉट टू चैनल्स व्हिच इज एबल टू मेक दैट डिफरेंस एंड हैव दैट डिफरेंशियल यू नो experience for the customer. Baki to you know what is the current status as the channel strategy is concerned. So we are in I think in a much more advantageous position to meet that requirement and changes and whatever. And aisa nahi hai ki Arena ka customer ke liye humne kuch matlab katoti kari hai, aisa kuch nahi hai. Uske liye bhi humne improve kara hai, uske bhi standard change kare hain, uska jo शोरूम है और जो भी उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं. तो वो जो कस्टमर तो एस्पिरेशनल है, कस्टमर को तो यू नो आज का कस्टमर बहुत डिमांडिंग हो गया, उसके लिए तो हमें ऑब्वियसली हमें अपने अपने एंड पे भी हमें कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ेगा, तो वो तो है हमारा प्रयास रहेगा हमेशा. तो जितने भी फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट करते मोर प्रीमियम प्रोडक्ट्स, तो ऑब्वियसली नेक्सा इज सॉर्ट ऑफ आपका एक बेंचमार्क, क्योंकि नेक्सा का पॉपुलैरिटी भी आई थिंक रिफ्लेक्ट्स दैट. हाँ देखिए, तो ये जो है अब ये भी एक यू नो दिस इज द ऑलमोस्ट द नंबर 3 और नंबर 4 ब्रांड. हाँ यस, नो डाउट, यस, वॉल्यूम इज कंसर्न. हाँ तो हम तो यू नो चाहते हैं कि मतलब ये नंबर 2 हो जाए. तो नोइंग मारुति आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लम होगा बाद में. तो ये तो हमारा एक हमारा ये प्रयास रहेगी और हम हमेशा इसको चैलेंज करते रहेंगे. बट हैविंग सेड दैट, देखिए एक अरीना में हमारे एक प्रोडक्ट लाइनअप है, नेक्सा में एक प्रोडक्ट लाइनअप है, 8 ब्रांड इधर है, 9 ब्रांड उधर है, तो कंटिन्यूसली हमें भी जो कस्टमर की जो नीड है उसको मीट करना ज़रूरी है हमें, और उसके जो आस्क है इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विस या उसका जो क्विक रिस्पॉन्स, वो हमें तो दोनों में ही दिखानी पड़ेगी. वो हाँ भले ही उसको मतलब जो उसका जो लुक एंड फील है जो सेल्स आउटलेट का और सर्विस आउटलेट का वो अलग है हमारा, वो दोनों हमने ग्रो करे हैं एंड वी हैव द लार्जेस्ट रीच अमंगस्ट एनीबडी. यस, नो डाउट, नो डाउट. तो वो तो एक एडवांटेज तो मारुति सुजुकी कस्टमर जो है वो तो उनको तो पता है उसके बारे में, तो वी थिंक दैट इज एक्चुअली अ स्ट्रांग पॉइंट. लास्ट क्वेश्चन इस गाड़ी के बारे में, अगर आप देखेंगे हाई क्रॉस में आपको 2 लीटर का एक नेचुरली एक्सपायर्ड पेट्रोल मिलता माइनस द हाइब्रिड, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें आपने सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑफर किया, तो क्या रीज़न है अगर आप उसके बारे में? बेसिकली हमारा प्रयास है कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन रिडक्शन के तरफ हमें देखना है, और एक बड़ी गाड़ी में अगर आप इतना वेट के साथ में अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड देखेंगे तो उसका ऑब्वियसली एफिशिएंसी कम, यस यस, तो उसका CO2 बड़ा हाई होगा. हमारा प्रयास है कि हम कैसे CO2 कम करें, तो इसलिए हम इसको प्रोपगेट कर रहे हैं, और इस कस्टमर का जो चाह है वो भी एक टेक्नोलॉजी की का फोकस है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें कि अच्छा ये नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं है, ये ओनली हाइब्रिड है, ये एक सेल्फ चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, EV मोड में भी चलती है, तो एक ये एक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है. तो वो लग्जरी प्रोडक्ट का जो और जिसका जो ब्रांड का जो सेंस है वो टेक्नोलॉजी से भी आता है. यस, नो डाउट, उसको रिप्रेजेंट करता है. और इस सेगमेंट में नॉर्मली लोगों की ख्वाहिश ज्यादा इन टर्म्स ऑफ टेक, दे आर मोर अवेयर एंड दे आर विलिंग टू एक्सपेरिमेंट, कनेक्टेड फीचर होना चाहिए, यू नो टेक्नोलॉजी होना चाहिए, अच्छा पावर ट्रेन होना चाहिए, तो वो हम इसमें दे. अच्छा लास्ट सवाल एकदम, ऑब्वियसली मारुति इज लीडर इन टर्म्स ऑफ माइल्ड हाइब्रिड आपका है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में अब है, आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी आप लेकर आ रहे, तो ऑब्वियसली आपकी पहली EV 2025 आपने ऑटोक्स में दिखाया था, तो अनटिल देन आपका फोकस क्या आप EV पे या आप स्प्लिट करेंगे बिटवीन हाइब्रिड्स EV CNG या आपका क्या फ्यूचर है, आप शिफ्ट टूवर्ड्स मोर EV आपका क्या सॉर्ट ऑफ हमारा पोर्टफोलियो है पूरा, तो हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर हैं, और एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे सब ऑपरेट होती है. हर एक सेगमेंट और डिफरेंट के लिए हमारे को एक सर्टेन टेक्नोलॉजीज चाहिए. हमारा प्रयास है कि हम एक वैल्यू प्रोपोजिशन अच्छी तरह दें, बट हम ऑल्सो रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, तो दोनों चीज़ें हमें करनी है. तो उसके लिए हमारा अभी आज हमें 26% हमारा CNG है. CNG में आपको पता है कि 25% रिडक्शन होता है CO2 में कंपेयर टू अ नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल. एक तो ये है, दूसरा हम
फ्लेक्स फ्यूल की तरफ जा रहे हैं। E20 तो हम कर ही दिए हैं ऑलरेडी, बट एस आर एस मटेरियल कंपैटिबिलिटी इज कंसर्न, 2025 के बाद में हम E20 कंप्लायंट भी कर देंगे, उसके बाद हम फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल भी लेके आएंगे अक्टूबर नवंबर 25 में। अच्छा, 85% एथेनॉल के ऊपर चलेगी। तो एक वो डायरेक्शन है हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का। तीसरा है हमारा हाइब्रिड, और चौथा है हम CBG, जो यू नो जो कंप्रेस बायोगैस है, बेस से एनर्जी कैसे करना है, ठीक, तो वो भी उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो हमारा 2030 तक का हमारा जो हमारा एस्टिमेट है कि 25% गाड़ियाँ हाइब्रिड होंगी मारुति सुजुकी की फ्लीट में, 15% ईवी होंगे। अच्छा। और 60% ये अल्टरनेट फ्यूल CBG, CNG, फ्लेक्स फ्यूल इस तरह की गाड़ियाँ होंगी। तो ये हमारा एक पूरा एक रोड मैप है। आपका भी सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शन है कि बाय 2030 फ्लेक्स अभी भी पेट्रोल विल स्टिल बी अलाइव, विल बी अलाइव, नो डाउट। ठीक है, थैंक यू सर फॉर स्पीकिंग टू अस एंड कॉन्ग्रेट्स ऑन द लॉन्च ऑफ दिस कार। मैं इसे देखना कल चलाऊंगा, तो लुक फॉरवर्ड टू ड्राइविंग इट, बट एब्सोल्यूटली सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू।